इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله को प्यारा है जिसके सदके हासिल ईमान इस इसने मुबारक की अजमत का क्या कहना इस इसने मुबारक की अजमत का क्या कहना। फिर उसके बाद फौरन महफिल मुशायरे का आगाज हुआ चलता है। तो हमें मालूम होता है कि हमारे बुजुर्गाने दीन हमारे असलाफ जितने जिनके थे उन्होंने क्या क्या इसमें काम किया। देखिए आजादी हिंदुस्तान गुलाम था, गुलामी से छुटकर हासिल करने के लिए सबसे पहले टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ने जो है इस सरजमीन में जो है अपना परचम लहराया। वो क्यों शहीद हुए मैं उनकी शख्सियत पर एक ही जो है अल्लामा इकबाल के कलम से जो मैंने पढ़ा है वो लिखते हैं कि शहीद टीपू रहमतुल्लाह ने जो है एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी नमाज कर कोई नमाज यानी तहज्जुद की नमाज की कजा नहीं, ये उनका अमल था। दूसरी बात अल्लामा इकबाल लिखते हैं उनके ताल्लुक से कि हिंदुस्तान की तारीख से मुचाता करके लिखते हैं कि मुगलों से लेकर जितने भी मुस्लिम यहाँ पर हुक्मरान आए और आकर चले गए इसमें तीन ही जो है वो हुक्मरान थे जो अल्लाह अल्लाह के रसूल से काम किया। अब तीन रहनुमाओं में तीन सुल्तानों में तीन बादशाहों में इनका जिक्र एक जो है जिक्र आता है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह। अब दूसरा आता है हजरत औरंगजेब। तीसरे मकाम पर आते हैं गुजरात के अहमदाबाद के वहां के बादशाह सुल्तान। इन्होंने जो है सही मानों में कुरान और हदीस की रोशनी में हुकूमत की। तो इसमें ये जो है हमारे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह है और हमको उनके असलाह में पढ़ना चाहिए, तारीख का मुशाहरा करना चाहिए। जब से जुलूसों से कुछ होता नहीं, याद तो रख लेते लेकिन उनकी गहराई से मुताला करना है उनकी जिंदगी कैसी थी उनका असलाह कैसे थे। जितना बोलेंगे उतना कम है और अलावा इकबाल के बारे में तो शायद ही कोई बोल सकता है और हजरत टीपू सुल्तान के बारे में हजरत कोई भी अपना बोल सकता है क्योंकि हमारी हैसियत भी नहीं हमारी शख्सियत भी नहीं जो उनके बारे में कुछ बोले क्योंकि उनके एक एक शायरी के ऊपर और उनके एक एक अमल के ऊपर बड़ी बड़ी पी एच डी हमारे कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में बड़ी बड़ी पी एच डी करते हैं। लेकिन यही एक छोटी सी बात है ये जो तीनों भी जो हमारे शख्सियत हमारे बीच जो गुजरे जो हमारे लिए एक मिसाल बन के है और हमारी रहनुमाई करें आज के तारीख में आज के जो ये जो फितनाई दौर जो है इसके अंदर उनकी रहनुमाई हमारे बीच है। तो उनका क्या था उनका तर्ज अमल क्या था कि उनकी सोच क्या थी उनकी सोच हमारे फारूकी साहब बोले कि इकबाल की सोच जो है खुदी खुदी से क्या मतलब खुदी का क्या मतलब है वो उन्होंने बताने की कोशिश करें। आज टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह का भी वो था कि मुसलमान जो है वो अपनी खुदी खो चुका है मुसलमान जो है अपनी इज्जत खो चुका है। तो मुसलमानों को वकार के लिए इज्जत के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा करे कि पूरे इतिहास उसका बन गया। आज स्कूलों में टीपू सुल्तान को भी पढ़ाया जाता है हम
हमारे मौलाना आजाद को भी पढ़ाया जाता है और हमारे अलमा इकबाल को भी पढ़ाया जाता है। ये क्योंकि ये मुसलमानों में शऊर जगाना और मुसलमान का पूरे कौम में शऊर जगाना और गुलामी से आता है। उनका जो ये है ये जहनी गुलामी, आज तो हम गुलाम नहीं है लेकिन कुछ हमारी जहनी गुलामी हमारे बीच में पनपती है। जाओ कि फिर किस्सा शुजात का सुनेंगे, तारीख वफा दीप की हम याद करेंगे। आ जाओ कि फिर किस्सा शुजात का सुनेंगे, तारीख वफा दीप की हम याद करेंगे। असलाफ की कुर्बानी का हम जिक्र करेंगे, हिम्मत व सदाकत का सबक याद करेंगे। खौफे खुदा, खौफे खुदा दिल में लिए ये अहद करेंगे। बातिल से चुके थे न चुके हैं न चुकेंगे। आ जाओ के फिर किस्सा शुजात का सुनेंगे, तारीख वफा की बुकी हम याद करेंगे। तारीख ने इस बात को खुल कर है बताया, अच्छों पे हमेशा ही बुरा वक्त है आया। हर दौर में जालिम ने हमें खूब सताया, बादल ने हमेशा ही गला हक का दबाया। उभरे तो दबाने से दबे हैं न दबेंगे। हम जिंदा हैं रहेंगे। उभरे तो दबाने से दबे हैं न दबेंगे। इस सरजमी के वास्ते क्या कुछ न किया है, तहजीब वो इल्म हुनर हमने ही दिया है। खातिर वतन की जान शहादत का पिया है, इस देश के गुलशन को लहू हमने दिया है। सियासतों में बुरा जो ये हाल अपना है, कि अब विखार से जीना मुहाल अपना है। सियासतों में बुरा जो ये हाल अपना है कि अब विखार से जीना मुहाल अपना है। पयाम में इकरा को छोड़ा तो अब ये आलम है, पयाम इकरा को छोड़ा तो अब ये आलम है। हर एक जगह पे मुकद्दर सवाल अपना है, पयाम इकरा को छोड़ा तो अब ये आलम है। हर एक जगह पे मुकद्दर सवाल अपना है। जुटे हुए से हैं मकतबों और मसलकों के मनाजरों में, जुटे हुए से हैं मकतबों और मसलकों के मनाजरों में। हर एक सुखनवर ये कह रहा है सुखन की महफिल मुशायरों में, जुटे हुए से हैं मकतबों और मसलकों के मनाजरों में। हर एक सुखनवर ये कह रहा है सुखन की महफिल मुशायरों में। अब वक्त आया है जान ले सब के मिल के रहना है हम सबों को। अब वक्त आया है जान ले सब के मिल के रहना है हम सबों को। वगरना अपना शुमार होगा जहान भर की नफाकतों में, वगरना अपना शुमार होगा जहान भर की नफाकतों में। नमुंतजर फिर हमें है रहना किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी का, नमुंतजर फिर हमें है रहना किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी का। इन्हीं के जैसा है अज़्म लाना हमें बस अपनी शुजाअतों में, इन्हीं के जैसा है अज़्म लाना
हमें बस अपनी शुजाअतों में पत्ता पत्ता है मेरे कौम का मुरझाया सा, फिर भी उम्मीद लगाओ तो जरा मैं देखूं रहबराने कौम व मिल्लत के सियानों से कहूं, रहबराने कौम व मिल्लत के सियानों से कहूं मौत की याद दिलाओ तो जरा मैं देखूं गोता जन होके गोहर लाए वो दरिया दरिया, गोता जन होके गोहर लाए वो दरिया दरिया, इल्म की कदर बताओ तो जरा मैं देखूं। मतलब पर पहुंचा, कोई जज्बा नहीं छूटा है तेरे शेरों में, कोई जज्बा नहीं छूटा है तेरे शेरों में, राशिद तुम सबको हंसाओ तो जरा मैं। एक और नज्म है इसका उनवान है हाँ मुसलमान हूं, हाँ मुसलमान हूँ मैं मुसलमान हूँ, मैं भी इंसान हूँ मैं मुसलमान हूँ, मेरा अफवाह है मैं मुसलमान हूँ मैं मुसलमान हूँ मैं मुसलमान मानव सदियों से सोया हुआ हूँ, मुझ में पिन्हा है ईमान का खूने जिगर, मैं जो बेदार पाया हूँ खुद को अगर बदला दुनिया का नक्शा हूँ दिल का नगर, चलो उठो चले ये है अब की डगर, अपना अल्लाह है मैं मुसलमान। मुझको अग्यार ने काजा बंद कर दिया, जाने अनजाने मुझ पर गरम कर दिया, मसल की दूरियों को भी कम कर दिया, अपनी मिट्टी को फिर से के नम कर दिया, राहें हफ्ते ही साबित कदम कर दिया, इनसे डरता नहीं मैं मुसलमान। लगता है जैसे दीन भी तरनीम हो गया, लगता है जैसे दीन भी तरनीम हो गया, ये मसला नाकाबिले तब्दील हो गया, लगता है जैसे दीन भी तरनीम हो गया, ये मसला नाकाबिले तब्दील हो गया, और सब अपनी अपनी मस्जिदों में बट रहे हैं लोग, सब अपनी अपनी मस्जिदों में बट रहे हैं लोग, ये क्या कि मेरा गांव भी तकसीम हो गया, सब अपनी अपनी मस्जिदों में बट रहे हैं लोग, ये क्या कि मेरा गांव भी तकसीम हो गया, और गुलदान के गुलाब सब कोने में पड़े हैं, गुलदान के गुलाब सब कोने में पड़े हैं, कागज का फूल काबिले तासीर हो गया, गुलदान के गुलाब सब कोने में पड़े हैं, कागज का फूल काबिले तासीर हो गया। अंधेरों पे पहरा बिठाना पड़ेगा, अंधेरों पे पहरा बिठाना पड़ेगा, चरागों को फिर से जलाना पड़ेगा, अंधेरों पे पहरा बिठाना पड़ेगा, चरागों को फिर से जलाना पड़ेगा, जिसे ऐब सबके नजर आ रहे हैं, जिसे ऐब सबके नजर आ रहे हैं उसे आईना तो दिखाना पड़ेगा, जिसे ऐब सबके नजर आ रहे हैं, जिसे ऐब सबके नजर आ रहे हैं उसे आईना तो दिखाना पड़ेगा, और सितम बादशाहों के बढ़ने लगे हैं, सितम बादशाहों के बढ़ने लगे हैं, रियाया को अवसर उठाना पड़ेगा, रियाया को अवसर उठाना पड़ेगा, और नया तो नहीं पर अजब है ये मौसम, नया तो नहीं पर अजब है ये मौसम, यहाँ गुल गजब का खिलाना पड़ेगा, नया तो नहीं पर अजब है ये मौसम, यहाँ गुल गजब का खिलाना पड़ेगा, और इन वक्त के बहते हुए धारों से पूछिए, इन वक्त के बहते हुए धारों से पूछिए, अपना विकार अपने गुनाहों से पूछिए, इन वक्त के बहते हुए धारों से पूछिए, अपना विकार अपने गुनाहों से पूछिए, आबादियां निकल के सब गूगल में आ गई, आबादियां निकल के सब गूगल में आ गई, तन्हाइयों का दर्द किताबों से पूछिए, आबादियां निकल के सब गूगल में आ गई, तन्हाइयों का दर्द किताबों से पूछिए,